Hello friends, welcome to Learn Services. In this video, I will talk about Engineering Services Exam 2019. As you know, ये exam का week है और इस week में काफ़ी tension होती है और 6 जनवरी 2019 को आपका exam होना है. तो आपके पास almost 4 दिन बचे हैं, तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए ये चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा. तो आइए देखते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए इस वीक में. तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको कूल रहना है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है. बिकॉज ज़्यादा टेंशन लेने से प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है और एंजाइटी बढ़ने से जो आपका नेचुरल परफॉर्मेंस है वो भी नहीं निकल पाता. तो पहले इम्पॉर्टेंट रखना है आपको कूल रखना है. एक्चुअली माइंड में एंजाइटी होती है कि मेरा होगा या नहीं होगा, ठीक है. और आप अक्सर ये कहते होंगे मेरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. तो क्यों ना इस बार ये कहकर देखें कि मेरा हो जाएगा. हाउ वुड लेट्स बी पॉजिटिव दिस टाइम. ओके, जस्ट से टू योरसेल्फ आई विल गेट इट. And don't worry too much that if you will not get it, then what will happen? They will say what? They will say what? So don't worry about that. Just think one thing that you will get it and stay positive. Second thing you should do is eat healthy food. Because sometimes what we do is that we miss that part. And that cause a degradation in our health. So ye aap bilkul na kare. Aap achha khana khaye, healthy khana khaye. ज़्यादा तले भुने खाना ना खाएं बिकॉज वो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. फ्रूट्स जूस ले लें, शेक पी लें तो ये काफ़ी अच्छा रहता है. वार्म वाटर थोड़ी ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ठंडी है. तो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट. सेकेंड थिंग यू शुड डू इज ट्राई टू डेवलप ए हेल्दी रूटीन. हेल्दी रूटीन को इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम ये मॉर्निंग से स्टार्ट होना है. तो यदि आप मॉर्निंग में थोड़ी अर्ली मॉर्निंग यदि आप उठने की हैबिट डालेंगे तो एडवांटेज क्या मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा. और हेल्दी रूटीन का मतलब मेरा इस चीज़ से भी है कि आपकी पढ़ने की जो हैबिट है वो मॉर्निंग में आप रखें, मॉर्निंग और दोपहर में. क्योंकि बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे इंजीनियर फ्रेंड्स हैं, उनकी हैबिट रात में पढ़ने की होती है, नाइट में पढ़ने की होती है, जिससे कारण क्या होता है कि वो मॉर्निंग में परफॉर्म नहीं कर पाते. सो अभी इस एग्जाम वीक में आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट डालें और रात में थोड़ा जल्दी सो जाएं, 11-10-11 बजे तक सो जाएं, जिससे आपको अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे उठने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है. तो ये एक हेल्दी रूटीन आप डेवलप करें. और सबसे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करके रखें. जो लोग बोलते हैं इसमें होगा नहीं होगा, तुम्हारे जैसे लोगों का क्या होगा, तो उन लोगों से थोड़ा दूर रखें आप, क्योंकि ये लोग हमेशा नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और दैट रियली कॉज यू नो डिजास्टर्स इफेक्ट. सो स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आजकल इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो हम लोग यूजलेस गॉसिप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप उससे बिल्कुल दूर रहें. डोंट गेट कनेक्टेड विद दोज पीपल, स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल. ओके, नाउ स्टडीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है. अब आपने जो पढ़ रखा है उसी चीज़ को आप देखें, बार बार देखें, कोई भी नई चीज़ के साथ मत जाएं. क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि हम नई चीज़ में जंप करते हैं और जो हम ऑलरेडी हमने ग्रिप कर रखा है उसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है. एग्जामिनेशन हॉल में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने ऑलरेडी पिछले 6-8 महीने 10 महीने या 1 साल से पढ़ रहे होंगे, जिसमें ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं. माइंड में ये जरूर लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है. आप यकीन मानिए आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं. आपको कई बार सपोज करिए आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में आपको सिंपल डिफ्लेक्शन के फार्मूले भूल जाते हैं. आपको सिंपल हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के जो सिंपल फार्मूले हैं वो आपको भूल जाते हैं. रेडिएशन के सिंपल फार्मूले आपको याद नहीं रहते. सिंपल जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो याद नहीं रहती. तो मैं कह रहा हूँ आप जो बेसिक चीज़ें हैं, आप जो आपने पढ़ रखा है उसी चीज़ को आप बार बार रिवाइज करें, नई चीज़ में जंप ना करें. स्टे अवे फ्रॉम द न्यू थिंग्स. ओके, दूसरी चीज़ है रिविजन. ऑब्वियसली इसी चीज़ की बात कर रहे थे, रिविजन आप करें, अधिक से अधिक रिवाइज करें, जितनी ज़्यादा रिविजन कर सके उतना. आपको कुल मिला के ये है कि मास्टरी करना आपको रिविजन में. ओके, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. थर्ड ये कि आप पढ़ाई करते वक्त आप जो स्लॉट बना रहे हैं, जैसे सपोज करिए आप रिवाइज कर रहे हैं, तो आप स्लॉट बहुत लंबा मत बनाएं. 2-3 घंटे का स्लॉट लोग बनाते हैं, ऐसा ना बनाएं. आप 40-50 मिनट्स का स्लॉट बनाएं, उसके बाद थोड़ी ब्रेक लें 8-10 मिनट का, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दें. इससे क्या होता है कि आपको री एनर्जाइज हो जाते हैं आप. और कमाल की बात यह है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हर एक घंटे की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. और आपको यही चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन हाल में आपको 2 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन करने हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए. तो आप स्लॉट में भी काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी के साथ आप काम करना शुरू करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है.
अगला चीज है डेली टारगेट बनाए, जैसे कि सपोज करिए आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, आज 2 तारीख है, 2, 3, 4, 5, आपके पास 4 दिन बचे हैं, तो इस 4 दिन में आप डेली टारगेट बनाए कि इस आज के दिन मैं ये दो सब्जेक्ट जो है इसके फॉर्मूलेज रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। अगले दिन के लिए आप ऐसे बनाएं, तो ये डेली टारगेट बनाएं। आप ये जंप मत करें कि मतलब आज मैं ये कर लूंगा ये कर लूंगा, बहुत ज्यादा टारगेट ना बनाएं, आप बिल्कुल प्रिसाइज रहें, ठीक है। क्योंकि क्या बात है, हम बहुत ज्यादा टारगेट बनाते हैं और वो भी कंप्लीट नहीं होता तो हमें डिप्रेशन आता है। तो आप टारगेट थोड़ा सा अचीवेबल बनाएं, अचीवेबल टारगेट बनाएं, ओके, एंड डेली टारगेट बनाएं कि ये चीज इतनी रिवाइज करेंगे, फास्ट रिविजन करें। आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पिक करिए, आपकी सपोज करिए आपने नोट्स बना रखी है उसे पिक करिए और जो हाईलाइट करिए जो मेन मेन फार्मूले हैं उसको हाईलाइट करते जाइए। यदि आपने क्विक नोट्स नहीं बनाया है इस तरह से, जैसे फार्मूले की आप लिस्ट बनाते हो वो नहीं बनाया आपने, तो आप सिर्फ अपना नोट्स उठाइए, उसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं उसको अंडरलाइन उसको हाईलाइट करते जाइए हाईलाइटर से, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। और फिर जल्दी से उसको अगले पेज जल्दी जल्दी पलटा के जल्दी जल्दी आप वो करके आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं, ओके। लास्ट वन इज प्रैक्टिस टू वेक अप अर्ली, ये आपको बताया था मैंने, आपको सुबह जल्दी उठना है, ये काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि आपका एग्जाम मॉर्निंग और दोपहर में है, तो आपको यदि सुबह उठने की हैबिट रहेगी तो आपको ये आसानी होगी मॉर्निंग परफॉर्म करने का, क्योंकि हमारी हैबिट नाइट में पढ़ने की होती है, दैट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस। तो एग्जाम वीक में डेफिनेटली आपको सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालना चाहिए, रात को लोगों से आप जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे ज़्यादा रात देर रात तक बात ना करें, जस्ट स्लीप अर्ली इन द नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। तो दैट्स वेरी हेल्पफुल, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और हो सकता है हमारे पास कुछ क्विक नोट्स पड़ी हुई हैं तो यदि हमारे पास होगी तो हम उसको डेफिनेटली वीडियोस का अपलोड करेंगे, कुछ लिमिटेड एरियाज के हैं लेकिन डेफिनेटली वो जो क्विक नोट्स हैं वो हम उसका वीडियो बना के आपको पब्लिश जरूर करेंगे, जिससे आपको लास्ट लास्ट में रिवाइज करने में थोड़ी आसानी हो। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।